फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 8 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए, क्योंकि आपकी SST की वर्कशीट है। इसे मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में बनाऊंगी। अगर आप लोग लेना चाहें हिंदी मीडियम में भी दे सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो ये आज हम लोग का जो टॉपिक है ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, यानी कि जो महत्वपूर्ण खनिज है वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, यानी हमारे इंडिया के मैप में, इंडिया जो आपका है उसमें कहाँ से, क्योंकि हर क्षेत्र में हर चीज़ नहीं मिलती है ना, कुछ चीज़ें कहीं मिलती हैं तो कुछ चीज़ें कहीं और मिलती हैं। ये इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होता है, ये सब मैंने आप लोगों को चैप्टर्स बनाए हैं, उसमें अपलोड किया है। आप लोग इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आपको ये जो वर्कशीट है इसे ज्योग्राफी की कॉपी में करना है, क्योंकि ये ज्योग्राफी का ही हिस्सा है। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पर दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स इज गिवन ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ये पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है, इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट मिनरल्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है कि क्या और कैसा उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। रीड डैम केयरफुली, ध्यानपूर्वक इसे पढ़िए, एंड ट्राई टू लोकेट डैम ऑन द आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आपको आउटलाइन पॉलिटिकल मैप जो इंडिया के है यही सेम इसी जैसा इसी पे अब आपको क्या करना है, यानी जो आपको ब्लैंक मैप मिलता है ना उसमें इसको पॉइंट आउट करने को देखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है, अब देखिए जब भी हमें, क्योंकि मैप बहुत ज़्यादा ब्लर है तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, मैं हल्का से इसे जूम करती हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको जो इस तरह का एरिया दिख रहा है ना, ये जैसे यहाँ पे ये सब दिख रहा है, ये एरिया वो है जहाँ पे आयरन ओर की फील्ड्स है। ठीक है, और जो आपको ये रेड रेड दिख रहा है ये आपकी माइंस है। ठीक है, जहाँ से ये निकलता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका एक्सप्लोरेटर है, यानी कि जो आपको बॉक्स दिख रहा है वहाँ पर रखा जाता है। इसके बाद ये आपका मैग्नीशियम है, ये आपका बॉक्साइट है, और ये आपका जो है यूएक है, अब्रक है जिसे हम बोलते हैं ब्रक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दिए गए हैं, ये आपकी बुक में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ आप देखिए ये पूरे इसमें बने हैं, आपको यही बनाना है और इसी की प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है, इसमें और कुछ नहीं करना है। चलिए तो आज की वीडियो का भी यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।